हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे सेवन क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर ये पीरियडिक टेस्ट फर्स्ट सेशन 2022 टू 23 का एक पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए रीडिंग रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सो मिल्क इज द बेस्ट फूड इट हैज इन इट वाटर शुगर फैट विटामिन एंड प्रोटीन्स Milk tastes sweet and can be easily digested. It is an ideal food for all. The old, the sick children cannot live without milk. We generally get milk from our domestic animals like cows, buffaloes. Cow milk is best in quality, so it is liked by everybody. Newborns get milk from their mother. People drink milk from different animals. In England, New Zealand, and many other cool lands, there are cows. In hot countries like Arabia and middle of Asia, there are camels. We prepare various sorts of sweets and many other delicious food items from milk. Milk has many byproducts. Curd and cheese are made from it. We also get ghee and butter from the cream of milk. Thus, milk is very useful for us. Okay. Now, first question is: what is the best food? Best food kya hai? So, milk is the best food. Answer number one: why is the milk रिगार्डेड द बेस्ट फूड मिल्क को हम बेस्ट फूड क्यों कहते हैं बिकॉज इट हैज वॉटर शुगर फैट विटामिन नॉट लिव विदाउट मिल्क कौन है जो मिल्क के बिना नहीं रह सकते सो दी ओल्ड दिक एंड चिल्ड्रेन केन नॉट लिव विदाउट मिल्क नेक्स्ट इज विच एनिमल्स आर केप्ट फॉर मिल्क इन हॉट ड्राई कंट्रीज जो जहां पर बहुत गर्मी होती है ड्राई कंट्रीज वहां पर कौन से एनिमल्स हैं जिनसे मिल्क मिलता है सो हॉट कंट्रीज जैसे कि अरेबिया मिडल ऑफ एशिया देयर आर कैमल्स नेक्स्ट इज राइट दिम ऑफ एंटेम लिखना है डिफरेंट इसका ऑपोजिट होगा सेम देन राइट राइट द सिनोनिम ऑफ सिनोनिम लिखना है डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब हाउस होल्ड घरेलू नाउ नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है रीड द गिवन गिज के आंसर द फॉलोइंग द्वेश्चन Amazon is the world's second largest river and the chief river of South America. 3900 miles long, it has more water than Yangtze, Nile and the Mississippi put together. River is formed in the This river is formed in the Andes mountains. It flows east through the jungles of Brazil and empties into the Atlantic Ocean. The river flows at a speed of about 2.5 km per hour during the dry season. And increase to about 5 kilometers per hour when the season when the river is swollen by rain. Amazon Forest is the world's largest tropical rainforest and covers approximately 5.2 million square kilometers in the Amazon River basin of South America. About two-thirds of the rainforest lies in Brazil. It contains a wider variety of plants and animals' life than any other place in the world. More than 1,500 species of birds make their homes here. And the region's rivers contain up to 3,000 species of fish. Okay. Now complete the following sentences. First is Amazon is the chief river of Amazon is the chief river of South America. Next is the river is formed in is river ka formation utai. This is formed in Andes Mountains. Next is द रिवर एमटीज ये खाली कहां पर होती है मतलब किसे जाकर मिलती है सो दिस एमटीज इन टू अटलांटिक ओशन नेक्स्ट इज टू थर्ड ऑफ द रेन फॉरेस्ट लाइज इन रेन फॉरेस्ट का टू थर्ड पार्ट कहां पर लाइ करता है अबाउट टू थर्ड ऑफ इट्स पार्ट लाइज इन ब्राजील नेक्स्ट इज मोर दैन ब्लैंक मेक देअर होम सेयर मोर दैन फाइव हंड्रेड मेक देयर फाइव हंड्रेड स्पीशीज ऑफ बर्ड ओके नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन यू आर राज और रिया यू हैव लॉस्ट योर वाटर बॉटल समवेयर इन द स्कूल स्कूल में आपकी वाटर बॉटल खो गई है आपका नाम राज या फिर रिया है एक नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है सभी को इन्फॉर्म करने के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द डिटेल्स ऑफ द बॉटल इन नॉट मोर दैन फिफ्टी वर्ड फिफ्टी वर्ड से ज्यादा नोटिस नहीं होना चाहिए सो so ये फॉर्मेट है नोटिस का बॉक्स के अंदर आप इसको लिखेंगे टॉप सेंटर कैपिटल लेटर में नोटिस फिर आपके स्कूल का नाम लेफ्ट कॉर्नर जिस डेट को आप लिख रहे हैं नोटिस दैन सेंटर में टॉपिक वाटर बॉटल लॉस्ट इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ड माई वाटर बॉटल इन द स्कूल प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस रिसेस में स्कूल प्ले ग्राउंड में मेरी वाटर बॉटल खो गई है आप सभी को इन्फॉर्म किया जाता है द वॉटर बॉटल इज़ ब्लू इन कलर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है ब्लू है कलर में एंड ऑफ मिल्टन कंपनी मिल्टन कंपनी की है इफ़ एनी वन फाउंडेड किसी को भी अगर ये मिली हो प्लीज़ हैंड ओवर इट टू मी मुझे हैंड ओवर कर दे रिया या फिर राज को द फाइंडर विल बी गिवन अ ट्रीट इन द कैंटीन जिसको भी मिलेगी उसको एक ट्रीट दी जाएगी कैंटीन में नीचे आपका नाम और क्लास नेक्स्ट नेक्स्ट इज राइट अ स्टोरी राइट आ स्टोरी इन अबाउट एटी वर्ड्स बेस्ड ऑन द गिवन आउटलाइंस इन आउटलाइंस को यूज़ करते हुए एक स्टोरी आपको लिखनी है सुटेबल टाइटल भी देना है आउटलाइंस हैं वन समर समर सीजन की बात है वेरी हॉट डे बहुत गर, गर्मी थी दिन में एक कैप सेलर था टोपी बेचने वाला था गोइंग विलेज गाँव में जा रहा था सेल कैप्स कैप्स बेचने के लिए टायर्ड एंड थोस्टी प्यासा था बहुत थक गया था लुकिंग फॉर शेड टू टेक रेस्ट शेड को ढूंढ रहा था रेस्ट करने के लिए छाया को पुट बास्केट बास्केट को नीचे रखता है देन ट्री है स्लीप्स हो so जाता है वेकअप उठता है कैप्स uh, गॉन देखता है कि कैप्स वहाँ पर नहीं है लुक अप इन वंडर ऊपर देखता है हैरानी से बहुत सारे मंकीज थे ऑन द ट्री ईच वेयर्स अ कैप्स ने कैप पहनी हुई थी ट्राई सेवरल मेथड्स टू रिकवर कैप्स कुछ मेथड्स ट्राई करता है कैप्स को रिकवर करने के लिए नो no यूज कोई काम के वो मेथड्स नहीं थे स्नैच द कैप ऑफ ऑफिस हेड अपने Uh, सर पर रखी हुई कैप को स्नैच करता है थ्रोज इट डाउन इन आंगर नीचे उसको फेंकता है गुस्से से मंकीस भी सेम वही करते हैं क्योंकि वो कॉपी करते हैं एंड उसको उसकी सभी कैप्स मिल जाती है देन मोरल ऑफ द स्टोरी ओके तो टाइटल होगा द वाइज कैप सेलर देन वंस अप ऑन ए टाइम एक बार की बात है देर वॉज अ कैप सेलर एक कैप सेलर था He went from village to village, वो गांव गांव जाता था to sell his caps. कैप्स को बेचने के लिए Once he reached a village, एक बार एक गांव में वो पहुंचता है It was a hot summer day, गर्मी का मौसम था So he got tired, तो इसलिए वो थक जाता है He put his basket down, अपने बास्केट को जिसमें कैप्स थी उसको नीचे रखता है And went to sleep under a tree, एक पेड़ के नीचे सो जाता है There were some monkeys on the tree. पेड़ के ऊपर कुछ मंकीज थे द मंकीज केम डाउन वो नीचे आते हैं एंड टूक अवे द कैप्स कैप्स को ले लेते हैं आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वो कप कुछ टाइम के बाद वो जागता है ही डिड नॉट फाइंड द कैप्स कैप्स उसको नहीं मिलती ही लुक द ऊपर देखता है ही सॉ द मंकीज विद हिज कैप्स देखता है मंकीज़ को अपने कैप्स के साथ ही ट्राइड सेवरल मेथड्स कुछ मेथड्स वो ट्राई करता है टू गेट हिज कैप्स बैक कैप्स को वापस पाने के लिए बट नो यूज लेकिन वो मेथड्स किसी भी काम के नहीं थे उसको कैप्स नहीं मिलती ही थॉट ऑफ अ प्लान फिर वो एक प्लान सोचता है ही पुट ऑन अ कैप एक कैप पहनता है अपने सर पर द मंकीज डिट द सेम मकीज़ भी वही करते हैं ही थ्रू हिज कैप ऑन टू द ग्राउंड फिर अपने कैप को नीचे ग्राउंड पर फेंकता है द मंकीज ऑल्सो डिट द सेम मंकीज भी वही करते हैं ही कलेक्टेड द कैप्स कैप्स को वो कलेक्ट करता है बेंट अवे हैप्पीली और खुशी से वहाँ खुश होकर वहाँ से चला जाता है मोरल ऑफ द स्टोरी इज इंटेलिजेंस वर्क वंडर्स अगर बुद्धिमानी से आप काम ले तो आ, किसी भी सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल गिवन इन द ब्रैकेट यू ईट ब्लैंक एप्पल सो यू ईट एन एप्पल क्योंकि ए है वर्वल साउंड है ब्लैंक ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग द ताजमहल डेफिनेट आर्टिकल आएगा क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है नेक्स्ट मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो यूजिंग एन ई एस और आई टी वाई नाउन बनाना है आपको काम काम का हो जाएगा कामनेस एक्टिव एक्टिविटी आई टी वाई एड करेंगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू इन डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है सेंटेंसेज को सो राम सेड आई एम अ गुड बॉय इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करेंगे राम सेड दैट ही वॉज अ गुड बॉय नेक्स्ट इज माई फादर सेज मेरे फादर कहते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट मैं मार्केट जा रहा हूँ सो माई फादर सेज एज इट इज फादर सेज दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट नेक्स्ट नेक्स्ट इज रीअरेंज द वर्ड्स एंड फ्रेजिज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेज इज फेमस इट्स फॉर ब्यूटी ताजमहल सो ताजमहल is famous for taj mahal is famous famous for its beauty next is palace was the king in the the king was in the palace palace now next is section c literature section read the read the extract given below and answer the following questions

नेक्स्ट इज व्हेन एवरीबॉडी सेज़ यस प्लीज जब सब यस yes, प्लीज बोलते हैं तो रेबल क्या कहता है सो so, रेबिल कहता है व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज द रेबिल सेज नो थैंक यू ओके नेक्स्ट आंसर एनी टू चार में से किन्नी दो क्वेश्चंस को आंसर करना है फर्स्ट इज वाई डिड द किंग एडवाइज टू गो टू द मजिशियन किंग को यह एडवाइस क्यों किया गया कि आपको मजिशियंस के पास जाना चाहिए क्योंकि उनका जो क्वेश्चन था कि क्या सही टाइम है कोई भी काम करने का इसके लिए उनके मंत्रियों ने कहा कि इसके लिए तो फ्यूचर में जाना होगा और फ्यूचर में सिर्फ मजिशियंस ही जा सकते हैं तो इसलिए उनको कहा गया था टू विजिट टू द मजीशियंस सो द किंग एडवाइज टू गो टू द मजीशियंस इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग ये पता करने के लिए कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है नेक्स्ट इज हाउ डज़ रवि गेट मिल्क फॉर द किटन रवि कैसे किटन के लिए मिल्क ला पाया वो अपने लिए मिल्क लेने के लिए गया था किचन में ये प्रटेंड करने किया था उसने पार्टी के सामने कि उसको प्यास लगी है उसको मिल्क चाहिए और इसको प्रूव करने के लिए काफ़ी सारा मिल्क उसने पी भी लिया था उसके बाद जो बचा ला उसने जो कोकोनट शेल पड़ा हुआ था उसमें डाल दिया था किटन के लिए So Ravi brings milk milk from the kitchen by saying that he was hungry and he even drinks most of it uh, to prove party to prove this to party ये prove करने के लिए कि actually मैं उसी को ही milk चाहिए party के सामने उसने काफी peepee लिया था and then uh, after that he brings वो लेकर आता है उस tumbler को the tumbler in the backyard जहां पर वो किटन था एंड पोर इट इन द कोकोनट शेल कोकोनट शेल में इस मिल्क को डाल देता है किटन के लिए नेक्स्ट इज वॉट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय द हिल्सा फिश कौन सी तीन चीजें गोपाल ने की जब वो हिल्सा फिश को खरीदने गया उससे पहले सबसे पहले तो उसने अपने फेस को हाफ शेव किया हाफ अनशेव्ड ही रहने दिया पूरी बॉडी के ऊपर उसने ऐश को राग को स्मेयर कर लिया था और रग्स पटे पुराने कपड़े पहन लिए थे सो थ्री थिंग्स जो उसने की नंबर वन ही हाफ शेव्ड हिज फेस देन सेकेंड ही स्मेयर हिज ही स्मेयर ऐश ऑन हिज बॉडी एंड नंबर थ्री ही वॉर रग्स नेक्स्ट हैड द बेगर कम टू रुकमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम क्या बैगर रुकमणी के हाउस घर में पहली बार आया था गिव रीजन फॉर एन आंसर तो नहीं वो फर्स्ट टाइम नहीं आया था क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि पिछले एक हफ्ते से वो रुकमणी की काइंडनेस पर ही सर्वाइव कर रहा था सो आंसर इज नो द बेगर हैज़ बीन कमिंग द बैगर

फॉर अ वीक बिकॉज ऑफ रुकमनीज़ मनीज काइंडनेस ओके नाउ नेक्स्ट आंसर एनी टू फिर से किन्हीं दो क्वेश्चन को आंसर करना है ये सप्लीमेंट्री रीडर से है मैंशन थ्री थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर जो एंड्स हैं टाइनी टीचर उनसे आप कौन सी तीन चीजें सीख सकते हैं सेंस ऑफ ड्यूटी डिसिप्लिन क्लिनलीनेस

एंड गिव रीजन फॉर एन आंसर क्योंकि सबसे पहले वो जाके जो रिवर बैंक था वहाँ पर लेट जाता था नरेटर क्लीन सैंड को रेत को रब करता था उसकी बॉडी पर उसके बाद वो घंटों तक वहीं पानी में ही लेटा रहता था तो so, इससे पता लगता है कि वो मॉर्निंग बाथ को इन्जॉय करता था सो यस करी इंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वायल The narrator rubbed uh, him with sand, and after that, he would lie in the water for a long time. Long. नेक्स्ट इज़ अ कैमल डू विदाउट वाटर फॉर डेज ऑल टुगेदर एक कैमल बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है वॉट इज़ द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट आपकी बुक में इसके लिए क्या रीज़न दिया है तो बुक में बताया गया है कि वो स्वेटिंग उसको बहुत कम होती है पसीना बहुत कम आता है तो जो पानी वो पीता है वो बॉडी में ही स्टोर्ड रहता है बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस उसकी बॉडी से नहीं होता इसीलिए वो कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है सो द कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज़ टुगेदर बिकॉज इट स्वेट्स वेरी लिटल इट स्वेट्स वेरी लिटल एंड दिस वे इस तरीके से इट कैन रिटेन द वॉटर दे ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबे टाइम तक पीरियड ऑफ टाइम वो उस वाटर को अपनी बॉडी में रिटेन रख सकता है और एक बार में बहुत ज़्यादा पानी तो वो पी ही लेता है ऑफ टाइम ओके नेक्स्ट ना नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थ्री मार्क का एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब द म्यूजिक मास्टर एज सीन फ्रॉम द विंडो विंडो से म्यूजिक मास्टर जैसे दिख रहे थे उनको आपको डिस्क्राइब करना है सबसे पहले तो वो एक बोनी फिगर थे बहुत पतले से थे द म्यूजिक टीचर वॉज अ बोनी फिगर ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली विद हीज बैक टूअर्ड्स द विंडो विंडो की तरफ उनकी बैक थी तो बच्चे उनको बस पीछे से ही देख पाए थे जब जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है टूअर्ड्स तो द विंडो बिल्कुल बोल्ड थे ऊपर से चारों तरफ सिर्फ बाल थे सर के ही वॉज अ बोल्ड हेडेड विद फ्रिंजेस ऑफ ऑयल्ड हेयर चारों तरफ जो बाल थे उसमें ऑयलिंग उन्होंने की हुई थी जो कि उनके कानों पर गिर रहे थे ऑयल्ड हेयर फॉलिंग अराउंड हिज अराउंडयर्स देन एक ओल्ड फैशन टफ्ट बनाया हुआ था चोटी बनाई हुई थी पीछे ही हार्ड एंड ओल्ड

गोल्डन चेन इन हिज नेक डायमंड रिंग इन हिज इन हिज हैंड हाथों में गोल्डन रिंग थी और उन्होंने एक धोती पहनी हुई थी व्हाइट सफेद रंग की जिसमें चारों तरफ गोल्डन बॉर्डर था ही वॉज बियरिंग गोल्डन बॉर्डर्ड धोती लार्ज फुट था बड़ा सा पैर था जिससे वो बीट जो कर रहे थे फ्लोर को साथ ही साथ स्ट्रक कर रहे थे पैर को फ्लोर के ऊपर एंड ही हैड अ लार्ज फुट चलिए बस इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चन हरमिट ने क्या आंसर्स दिए तीनों क्वेश्चन के एंड विच आंसर डू यू लाइक द डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई आपको कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि प्रेजेंट अभी जो टाइम चल रहा है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हमारे पास पावर है कुछ एक्ट करने की पास्ट जा चुका है और फ्यूचर में हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जिनके साथ आप अभी है और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम वो है कि जिन भी लोगों के साथ आप हैं उनके लिए कुछ अच्छा करना सो आंसर आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चन वर नंबर वन द हर्मिट सेट दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टाइम इज द प्रेजेंट बिकॉज इट इज द टाइम वेन वी हैव पावर ऑफ एक्शन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन पर्सन इज वन विद होम यू आर In a particular time. And third, the most important work is is to do good to the people. लोगों के साथ अच्छा करना। या फिर uh, to do good with that person जिसके साथ आप उस particular moment में हैं। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंस ये था सिक्स क्लास सॉरी सेवेंथ क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग